कोटि कोटि बंधन। खुश हो बेटा, पत्नी का फोटो, खुश हो बेटा, पत्नी का फोटो निकालो बेटा। गुरु जी खड़े हैं। गुरु जी आपने जनवरी में हमें महामृत्युंजय हवन का निःशुल्क मतलब मुझे आदरबार की तरफ से कराया, उसके लिए धन्यवाद। खुश है, महावन भी आपने करवा दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। खुश है। मेरी पत्नी मतलब जब से मैं जुड़ा हूँ एकदम स्वस्थ है, सिर्फ कमर से भी उठ बैठ नहीं जा, और थोड़ी किडनी में प्रॉब्लम है। अभी क्रिएटिनिन इनका 4 पे था, जब मैं दरबार में आया था तभी 16 पे था, 16 थी क्रिएटिनिन, अब 4 पे आ गई, 4 पे आ गई है। थोड़ा कमर में तकलीफ है, पत्नी आई है और मेरी बेटी भी आई है। कोई बात नहीं, अच्छा उनकी पेशाब, अब केवल खिंचाव खिंचाव है, बाकी अब दर्द नहीं है, खिंचाव से है जो आवश्यक है। जी गुरु जी, ठीक है, धीरे 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 अच्छा। सब अच्छा ही होता जा रहा है, थोड़ा हाथ लगा के उठाते हैं और बैठाते हैं, वो सब करने लगेंगे धीरे धीरे, समय थोड़ा सा लगेगा। जी गुरु जी, किडनी फेल, चूंकि किडनी फेल हो गई थी तो उसके कारण बहुत समस्या बन गई। जी गुरु जी, है ना, तो आंखें बंद करके जरा उन्हें देखो एक बार, आंख बंद करके। फोटो है उनकी क्या? फोटो नहीं, खड़ी है। खड़ी है क्या? लाया। अच्छा दिखाओ, कैमरा दिखाओ बेटा। लाया। अच्छा तब ठीक है, एक मिनट। ओम, आंखें बंद करो बेटा। ओम, अब तो खड़े भी हैं बढ़िया। इनकी 3-4 जगह सर्जरी हुई थी बाबा, वो दर्द दे रहा है, सीने में भी हुई थी। जो जितनी सर्जरी इनकी हुई है ससुर पुणे से सर्जरी करके और सारी कष्ट हटा दिए जाए, सही सर्जरी कर दी जाए। ओम, इनके सूक्ष्म शरीर सब स्वस्थ किए जाए, सूक्ष्म सर्जरी की जाए। बैलेंस 5 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, पैरों में शक्ति बढ़ाई जाए, कमजोरी वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकों को खिला दी, शक्ति दी जाए पैरों में, बैलेंस। आँख खोलें, अपना बंधन खींचें 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के, बैलेंस। ये हाथ में कुछ लिए हैं क्या? ले लीजिए भाई, अब आप चलें, चलिए जरा मूवमेंट करिए, स्वयं दरवाजा खोलिए, अंदर आइए चल के। अब आप चल पाएंगी, जो खड़ी नहीं सकती थी अब चल पा रही हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, देख लिए महाहवन का प्रताप, ये एक दिवसीय महाहवन का प्रताप है। जी गुरु जी, जी। देख लिए, जिनको दो लोग पकड़ के उठा के खड़ा करते थे, हाँ। मरणासन स्थिति में थी, डॉक्टरों ने इन्हें मरने के लिए, डॉक्टरों ने इनको मरने के लिए छोड़ दिया था। गुरु जी आईसीयू में भर्ती थी जब मैं जनवरी से पहले अभी आया था, तभी तो यहाँ 9 हवन करके गया था, उसके बाद फिर मैं जनवरी में आया तो आपने वन डे के लिए बोला, वो भी किया, इसके बाद महामृत्युंजय दरबार ने हवन कराया। और गुरु जी दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुझे सहारा दिया है गुरु जी। और आप बॉम्बे में आए थे तभी भी आपके पैर छू करके मुझे दर्शन करने को मिला था, उसी के पुण्य प्रताप से मुझे गुरु दीक्षा भी मिल गई है बाबा जी। बढ़िया है, देखो इनका क्रिएटिनिन 16 था, अब 4 पे आ गया है, 4 पे। डॉक्टर बोलते थे तुरंत ट्रांसप्लांट कराओ, हाँ। अभी 75% किडनी इनका फिर से न्यू हो चुका है, हाँ। और इसीलिए ये चल पा रही है। जी बाबा जी, ठीक है, 3 टाइम इनको अभी भी डायलिसिस है, लेकिन धीरे धीरे। कोई बात नहीं, मेरा पूरा इच्छा है कि बाबा और माँ एकदम स्वस्थ कर देंगे, ऐसा मेरे दिल में तो है ही। और बस अभी एक मिनट देखें, यूरिन पास हो रहा है कि नहीं, दरबार दिखाएं, थोड़ा थोड़ा देखो, पहले इनको एकदम बंद था यूरिन पास होना, अब इनको पास हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जी बाबा, अब इनको थोड़ा थोड़ा यूरिन पास होने लग गया है, है ना, पहले बिल्कुल बंद था, बिल्कुल 100%। तो ये सब सारा रिकवरी हुआ इसलिए, ठीक है जी, जी।
अपना लेपन जरूर करना है। हाँ, दरबार से प्रार्थना संकल्प करते रहना। जी गुरु जी, आप मुंबई में आए थे तो बहुत अजय तिवारी जी के यहाँ पंप हाउस में आए थे, तभी घर पे तिवारी जी के घर गए थे, आपके सेवा करने का मौका मिला था बाबा जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।